ऐसा भी था कि जब विराट कोहली क्रिकेट की पिच पर नाकाम हो रहे थे और इसके लिए लोग उनकी प्रेमिका एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा को जिम्मेदार ठहराने लगे थे। सोशल मीडिया पर तो अनुष्का को विराट का बैड लक तक कह दिया गया था, मगर इसका ना तो विराट की मोहब्बत पर कोई फर्क पड़ा और ना ही उनके खेल पर। आज जबकि वे अनुष्का के साथ सात फेरे ले चुके हैं, विराट इंडियन क्रिकेट के सबसे सफल कप्तान बन चुके हैं। आईसीसी ने विराट कोहली को एक साथ तीन खिताबों से नवाजा है। वह क्रिकेटर ऑफ द ईयर, टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर और वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी चुने गए हैं। यह पहला मौका है जब विराट को आईसीसी का टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब मिला हो, जबकि वनडे क्रिकेट के लिए वह लगातार दूसरी बार इस खिताब के लायक पाए गए हैं। साल 2018 में विराट को वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब मिला था, जबकि इस साल एक साथ तीन खिताब हासिल करने वाले वह पहले क्रिकेटर बन गए हैं। आईसीसी ने विराट कोहली को साल 2018 की परफॉर्मेंस के आधार पर अपनी दोनों टेस्ट और वनडे क्रिकेट टीम का कप्तान भी चुना है। विराट के अलावा टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आईसीसी की इन दोनों टीमों में जगह मिली है। वहीं युवा विकेटकीपर और बल्लेबाज ऋषभ पंत को भी टेस्ट टीम में जगह बनाने में कामयाबी हासिल हुई है, जबकि वनडे टीम में विराट और बुमराह के अलावा भारत के ओपनिंग बल्लेबाज रोहित शर्मा और चाइनामैन बॉलर कुलदीप यादव को भी चुना गया है। जनरल डेस्क, राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस पर आपको मिलती है देश विदेश की ताजा तरीन खबरें। YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।